कास्टिंग करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी खबर गुरुग्राम से लेंगे, जहां गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया गया है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में जिला प्रशासन ने तोड़ी है गैंगस्टर सुबे गुर्जर की कोठी। 4 मंजिला इमारत को ध्वस्त किया गया है। सुबे गुर्जर पर दर्ज है 42 हत्या के मामले, तो आपराधिक मामले दर्ज है। और सुबे गुर्जर के परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि बिना नोटिस दिए ही कोठी को तोड़ दिया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि गैंगस्टर की कोठी को तोड़ा गया है, प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है, 42 से ज्यादा इस गैंगस्टर पर मामले दर्ज है। प्रॉपर्टी को इस वक्त जमींदोज किया गया। यही आपको बता दें कि जो परिजन है उनका कहना है कि यहां पर नगर निगम ने कोई उनको नोटिस नहीं दिया था, प्रशासन की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला था, और इसके बाद भी 3 मंजिला कोठी को ध्वस्त किया गया है। देखिए, ये हम कोठी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिस कोठी पर यहां पर बुलडोजर चलाया गया है। तो गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें 4 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया गया है। इसके अलावा ये भी बता दें कि जो परिजन है गैंगस्टर के, उनका कहना है कि प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दिया था, उसके पहले ही यहां पर इस कोठी को तोड़ा गया। दीपक शर्मा इस पूरी खबर पर बने। दीपक, जानकारी दीजिए, गुरुग्राम में गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पर किस तरीके से बुलडोजर चला, अभी क्या इस वक्त स्थिति? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ये एक बड़ी कार्रवाई है प्रदेश सरकार की तरफ से, और खासकर बात करें तो गुरुग्राम पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। जिस तरीके से सुबह सिंह अगर बात करें गुर्जर, जिसका एक बड़ा नाम है हरियाणा में, बात करें राजस्थान में अगर बात करें तो गैंगस्टर्स में, क्योंकि इसमें हरियाणा में, दिल्ली में और राजस्थान में कई बड़े मुकदमे जो है दर्ज है, तकरीबन 42 ज्यादा मुकदमे दर्ज है, जिसमें हत्या, रंगदारी के मुकदमे दर्ज है, लूटपाट के मुकदमे दर्ज है, अवैध वसूली जैसे कई मामले दर्ज है। इसको लेकर के अगर बात करें तो कल अचानक जो है जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी शाम को, और जाकर के सुबे सिंह बोरा जो है, माफ करना, सुबे सिंह गुर्जर जो है, जो कि गैंगस्टर है, इसके यहाँ पर, इसके मकान पर, इसके गांव में जाकर के उस पर जो है बुलडोजर चलाया। हालांकि परिवार के लोगों ने विरोध भी किया कि ये दादा लाई प्रॉपर्टी है, इसमें और भी लोग हिस्सेदार है, लेकिन यहाँ प्रशासन ने एक नहीं सुनी, और उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है उनका कहना है कि इसके ऊपर जमीनों पर भी अवैध कब्जों के कई मुकदमे दर्ज है, कई जमीनों पर भी अवैध कब्जे करे हैं, लोगों को धमका करके इस तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई करते। और ये खासकर हम बात करें, ऐसा सबसे पहले उत्तर प्रदेश में देखा जाता था कि जो बड़े गैंगस्टर थे उनकी जमीनों पर किस तरीके से बुलडोजर चलाए गए। दीपक जी, यही बात करना चाह रहे थे आपसे भी कि इस तरह का जो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई है, ये उत्तर प्रदेश में देखा गया, हालांकि अब मध्य प्रदेश की जो सरकार है, शिवराज सिंह चौहान ने भी इसे अपनाया है। इसके बाद अब क्या ये माना जाए कि हरियाणा में भी इसी तरह की पॉलिसी को अपनाया जा रहा है, यही बुलडोजर का जो काम है वो चलाया जा रहा है? दीपक, कहा जा सकता है कि पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, अब हरियाणा, और खासकर ऐसे गैंगस्टर, क्योंकि जो जानकारी मिली है कि हरियाणा सरकार के द्वारा ऐसे गैंगस्टर्स की लिस्ट बनाई गई है जिनकी जो प्रॉपर्टी है उनको कुर्क भी करने की तैयारी है, उसके साथ साथ अगर बात करें तो उनके ऊपर बुलडोजर चलाने को लेकर के बताई आ रही है। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि गुरुग्राम के अंदर सुबे गुर्जर जो है, सुबे गुर्जर जो एक बड़ा गैंगस्टर रहा, जिसके ऊपर हत्या जैसे कई मुकदमे जिसके ऊपर दर्ज है, उसकी प्रॉपर्टी पे कार्रवाई की गई है 4 मंजिला। बहुत शुक्रिया दीपक जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो फिलहाल बड़ी खबर ये कि 42 मुकदमे इस